नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। सभी खबरें सेलेक्टेड और काम की, कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो जानिए आज के ताजा अपडेट्स। वहीं पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 52,123 नए मामले सामने आए, 775 लोगों की मौत। वहीं जेपी नड्डा ने कहा कि 21वीं सदी के लिए नई भारत की जरूरतों को पूरा करेगी नई शिक्षा नीति। वहीं राम मंदिर कार्यक्रम में अयोध्या में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ की हाई लेवल की बैठक। वहीं राफेल के भारत पहुंचने पर राहुल गांधी ने वायुसेना को दी बधाई, सरकार से पूछे पुराने 3 सवाल। वहीं गृह मंत्री अमित शाह बोले भारत को थी नई शिक्षा नीति की सख्त जरूरत। वहीं योगी सरकार ने किए 17 आईएएस और 15 पीसीएस अधिकारियों के तबादले, देखें पूरी लिस्ट। वहीं शिवसेना ने कहा महाराष्ट्र सरकार न गिरा पाने के चलते भ्रमित है बीजेपी सरकार। वहीं 56 दिनों तक रोज मिलेगा 1.5 GB डाटा, ये सबसे किफायती रिचार्ज प्लान। वहीं तेजस्वी ने सीएम नीतीश से की अपील, कहा बाढ़ पीड़ितों के खाते में भेजें 20,000 रुपए। वहीं राज्यपाल ने दी मंजूरी, राजस्थान में 14 अगस्त से विधानसभा का सत्र चालू। वहीं स्वतंत्रता दिवस पर होगा कोरोना वॉरियर्स का सत्कार, लाल किले पर होगी बैठने की व्यवस्था। वहीं बिहार में गंगा समेत 9 नदियां खतरे के निशान से ऊपर, उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। वहीं पहली बड़ी खबर, पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 52,123 नए मामले सामने आए, 775 लोगों की मौत। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 52,123 नए मामले सामने आए और 775 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अगली बड़ी खबर, जेपी नड्डा ने कहा कि 21वीं सदी के लिए भारत की जरूरतों को पूरा करेगी नई शिक्षा नीति। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुधवार को कहा कि कैबिनेट द्वारा मंजूर की गई शिक्षा नीति 21वीं सदी के लिए भारत की जरूरतों को पूरा करेगी। लंबे समय से इस बदलाव का इंतजार था, यह बेहतर और आत्मनिर्भर भारत युवाओं में ऊर्जा का संचार करेगी। वहीं नड्डा ने इसके बाद में ट्वीट किया कि यह देश के लिए महत्वपूर्ण दिन है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली कैबिनेट ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी है। काफी विचार विमर्श और बड़े विशेषज्ञों की सलाह के बाद तैयार की गई यह नीति बच्चों को शुरुआती दौर से बेहतर शिक्षा सुनिश्चित करेगी। नड्डा ने कहा कि इसका उद्देश्य सभी विद्यार्थियों को समान अवसर देना और शिक्षकों की भर्ती के लिए मजबूत तंत्र बनाना है। इसके अलावा गुणवत्ता अनुसंधान को बढ़ावा देना है। अगली बड़ी खबर, राम मंदिर कार्यक्रम अयोध्या में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ की हाई लेवल की बैठक। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि अयोध्या में 5 अगस्त को होने जा रहे राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से जारी हैं। अयोध्या में भूमि पूजन से पहले यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुरक्षा को लेकर बड़ी बैठक की है। सीएम ने पुलिस अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए। वहीं सीएम ने अधिकारियों को भूमि पूजन कार्यक्रम को लेकर हर जिले में सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। वहीं भूमि पूजन कार्यक्रम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंध करने के भी निर्देश दिए। शरारती व असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगाह रखने के भी निर्देश दिए। वहीं कार्यक्रम में करीब 200 लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। ऐसे में पुलिस के सामने कोविड-19 के प्रोटोकॉल को सख्ती से पालन करने की भी चुनौती होगी। ऐसे में सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं कि कोरोना वायरस के प्रोटोकॉल को फॉलो करने में कोई ढिलाई नहीं बरती जानी चाहिए। वहीं अगली बड़ी खबर, राफेल के भारत पहुंचने पर राहुल गांधी ने वायुसेना को दी बधाई, सरकार से पूछे 3 सवाल। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारतीय वायुसेना को राफेल लड़ाकू विमानों की पहली खेप के तहत 5 विमानों के भारत आने की बधाई दी है। हालांकि इसके साथ ही राहुल गांधी ने भारत सरकार से राफेल की कीमत, संख्या और कॉन्ट्रैक्ट को लेकर 3 सवाल फिर एक बार पूछे हैं, जिनको लेकर उन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को जमकर घेरा था। बुधवार दोपहर 5 बजे राफेल विमान अंबाला एयरबेस पहुंच चुके हैं। वहीं अगली बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह बोले भारत को थी नई शिक्षा नीति की सख्त जरूरत। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का बुधवार को स्वागत किया और कहा कि भविष्य को ध्यान में रखकर तैयार की गई इस योजना के तहत भारत को सख्त जरूरत थी। शाह ने कहा कि यह भारतीय शिक्षा प्रणाली के इतिहास में सचमुच एक उल्लेखनीय दिन है। गृह मंत्री ने ट्वीट किया कि शिक्षा किसी भी राष्ट्र की बुनियाद है और पिछले 34 साल में भारत को इस तरह की भविष्योन्मुखी योजना की सख्त जरूरत थी। वहीं अगली बड़ी खबर, योगी सरकार ने किए 17 आईएएस और 15 पीसीएस अधिकारियों के तबादले। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बुधवार बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ। बीती रात योगी सरकार ने 32 अधिकारियों के तबादले लिस्ट जारी कर दी है। सरकार ने 17 आईएएस और 15 पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए। इन तबादलों में 10 जिलों में नए सीडीओ की तैनाती की गई है। वहीं अगली बड़ी खबर, तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से की अपील, कहा बाढ़ पीड़ितों के खाते में भेजें 20,000 रुपए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि राज्य में कोरोना और बाढ़ की भयावह स्थिति को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बुधवार को सीएम नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। तेजस्वी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक लाइव के माध्यम से सीएम नीतीश कुमार को घेरा। फेसबुक लाइव के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने कहा कि बिहार कोरोना और बाढ़ को लेकर दोहरी समस्या झेल रहा है, लोग त्राहिमान कर रहे हैं और राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 130 दिन से ज्यादा सोए हुए हैं। इन दिनों सोशल मीडिया में कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जो मरीजों के परिजनों ने बनाए हैं। बिहार की स्थिति नाजुक है और सरकार को समय समय पर सलाह दिया है कि वह सरकार इस पर गौर नहीं करती है।
तेजस्वी ने आगे कहा कि सरकार और एनडीए के लोग वर्चुअल रैली करते हैं, लेकिन उन्हें लोगों की जान और बाढ़ की चिंता नहीं है। लोग कोरोना संक्रमण से मर रहे हैं, लाशों का ढेर लगा हुआ है, लेकिन उन्हें चिंता नहीं है। सरकार की तरफ से कोई उन्हें देखने तक नहीं आ रहा। बिहार सरकार पूरी तरह से भगवान भरोसे है। हम राज्य में टेस्टिंग की संख्या बढ़ाने को लेकर लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार इसका ध्यान नहीं दे रही है। वहीं अगली बड़ी खबर, राज्यपाल ने दी मंजूरी, राजस्थान में 14 अगस्त से विधानसभा का सत्र चालू। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि अगस्त से विधानसभा सत्र बुलाने के राजस्थान सरकार के संशोधित प्रस्ताव को गवर्नर कलराज मिश्रा ने मंजूरी दे दी। इसके साथ ही राज्यपाल ने निर्देश दिया कि कोरोना को देखते हुए विधानसभा सत्र के संचालन में सभी तरह के एहतियात बरते जाएं। इससे पहले राजस्थान के अशोक गहलोत कैबिनेट ने विधानसभा सत्र बुलाने के लिए एक और संशोधित प्रस्ताव को बुधवार रात मंजूरी दे दी। इसमें 14 अगस्त से सत्र बुलाने का प्रस्ताव किया गया। वहीं अगली बड़ी खबर, शिवसेना ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार न गिरा पाने के चलते भ्रमित है बीजेपी सरकार। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सत्ताधारी दल शिवसेना ने बुधवार को कहा कि बीजेपी महाविकास अघाड़ी की सरकार गिरा नहीं पा रही, इसलिए भ्रमित हो गई है। इससे पहले महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने शिवसेना के साथ सुलह करने संबंधी बयान दिया था, जिससे पार्टी के नेता नाराज हो गए थे। कहा जा रहा है कि पाटिल का बयान महाराष्ट्र के लिए पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के अकेले दम पर चलने के निर्णय के विरुद्ध है। वरिष्ठ बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट किया था कि बीजेपी और शिवसेना दोनों में से किसी ने पुनः एक साथ आने का प्रस्ताव नहीं दिया। शिवसेना ने कहा कि हालांकि नरेंद्र मोदी सरकार कोविड-19 की स्थिति को अच्छी तरह संभाल रही है, लेकिन बीजेपी शासित प्रदेशों में मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और हरियाणा की स्थिति खराब हो रही है। वहीं अगली बड़ी खबर, 56 दिनों तक रोज मिलेगा 1.5 GB डाटा, ये है सबसे किफायती रिचार्ज प्लान। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप इस समय किफायती रिचार्ज प्लान्स की तलाश में हैं, जिसमें रोजाना भरपूर इंटरनेट डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिले, यहां हम आपको कुछ अच्छे रिचार्ज प्लान्स के बारे में बता रहे हैं, जिसमें रोजाना 1.5 GB डाटा के साथ कई अच्छे फायदे मिल रहे हैं। साथ ही इन प्लान्स की वैलिडिटी 56 दिनों की है। 56 दिनों की वैलिडिटी के साथ आने वाले वोडाफोन के इस प्लान्स की कीमत 399 रुपए है। इस प्लान के रोजाना 3 GB डाटा मिलता है। इसके अलावा इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग और रोजाना 100 मैसेज की सुविधा मिलती है। इस प्लान में वोडाफोन प्ले और G5 का प्री सब्सक्रिप्शन प्लान मिलेगा और इस कीमत का सबसे किफायती प्लान माना जा रहा है। वहीं अगली बड़ी खबर, स्वतंत्रता दिवस पर होगा कोरोना वॉरियर्स का सत्कार, लाल किले पर होगी बैठने की खास व्यवस्था। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना का असर लाल किला में आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों पर भी पड़ा है। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार समारोह काफी बदला हुआ नजर आएगा। समारोह में आने वाले मेहमानों की संख्या सीमित रहेगी। स्वतंत्रता दिवस के आकर्षण का केंद्र रहने वाले छोटे बच्चे भी नहीं होंगे। लाल किला में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां की गई, सारी एजेंसी जुड़ी हुई हैं, जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, जल बोर्ड, नगर बोर्ड, लोक निर्माण विभाग, दिल्ली पुलिस सहित कई दूसरी एजेंसियां कोरोना काल में स्वतंत्रता दिवस समारोह के सफलतापूर्वक आयोजन को लेकर दिन रात जुटी हुई हैं। अगली बड़ी खबर, बिहार में गंगा समेत 9 नदियां खतरे के निशान से ऊपर, उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में बाढ़ का खतरा कम होने का नाम नहीं ले रहा। राज्य में गंगा समेत 9 नदियां खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई हैं। गंगा कहलाव में लाल निशान से ऊपर चल रही है। दूसरी नदियों में बागमती, सीतामढ़ी, कटोझा के लाल निशान से ऊपर 2.12 मीटर ऊंचाई पर चली गई है। कोसी नदी का डिस्चार्ज थोड़ा गिरा है। वहीं नदी का जलस्तर बारातला में लाल निशान से लगभग 1.25 मीटर से अधिक ऊपर है। बिहार में बाढ़ की वजह से अब तक 40 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। वहीं मौसम अपडेट, अगले 24 घंटों के दौरान संभावित मौसम। अगले 24 घंटों के दौरान केरल तटीय कर्नाटक में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और मेघालय में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा के आसार हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में, विदर्भ, मराठवाड़ा, कोंकण, गोवा, दक्षिणी गुजरात में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। एक दो स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। तमिलनाडु, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप में कहीं कहीं मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आंतरिक तमिलनाडु और आंतरिक कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। ये थी अब तक की बड़ी खबरें। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए।